नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। आज मैं एक तमिलनाडु का ट्रेडिशनल स्वीट डिश अदिरसम बनाऊंगी। यह ज्यादातर त्योहारों में बनाया जाता है। अदिरसम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: एक ग्लास चावल, जिसे मैंने 4 घंटा सोख करके रखा हुआ है, 3/4 ग्लास गुड़, 1 टेबलस्पून घी, 1/4 चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और कार्डमम पाउडर 1/4 टीस्पून, रिफाइंड ऑयल फॉर फ्राइंग आवश्यकता अनुसार। चावल को मैंने एक कपड़े में सुखाने के लिए रखा था, अब वो सूख गया है। देखिए ऐसा होना चाहिए, हाथ से फिसलना चाहिए चावल, तब वो सूख गया है। अब ये रेडी है नाइसली ग्राइंड करने के लिए। चावल को महीन पीस दिया है और गुड़ को भी छान के रेडी कर दिया है। एक बॉटम कढ़ाई रखेंगे और फ्लेम मीडियम रहेगी। पहले हम ये गुड़ का पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब तक ये गुड़ का पानी एकदम थिक नहीं हो जाता, हम इसे कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहेंगे। सिरप रेडी हो गया है देखने के लिए। हम थोड़ा सा गुड़ का सिरप एक बाउल पानी में डालकर देखेंगे। तो देखिए जम गया है, इसका मतलब राइस पाउडर डालने के लिए रेडी हो गया है। अब हम इलायची पाउडर और सौंठ पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून घी। अभी थोड़ी थोड़ी करके हम राइस पाउडर डालेंगे सिरप में। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। रेडी हो गया है, अभी हम उसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अदरसम का बैटर रेडी हो गया है, अब इसे हम ठंडा करेंगे, फिर इसको बंद करके 24 आवर्स तक रूम टेम्परेचर में रखेंगे। उसके बाद हम अदरसम बनाएंगे। 24 आवर्स लेटर फर्मेंटेशन के लिए एक दिन अदरसम को रूम टेम्परेचर में रखा हुआ था। अब मैं इसे अदरसम ने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम अदरसम को बनाएंगे। थोड़ा सा अदरसम का मिक्सचर लेंगे, उसको राउंड करेंगे, फिर हम एक प्लास्टिक शीट को मैंने ग्रीस किया है, उसके बीच में बॉल को रखेंगे और इस तरह वाला बाउल का पीछे की तरफ से इसको प्रेस करेंगे। रसम को तेल में डालेंगे और इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये ऊपर की ओर अपने आप आ जाएगा। देखिए ऊपर की ओर आ गया है। अभी दूसरे साइड टर्न करेंगे। रेडी हो गया है। एक चम्मच की सहायता से हम इसे प्रेस करके एक्सेस ऑयल निकालेंगे। रसम बन के रेडी हो गया है। देखिए इतना क्रिस्पी है, खाइए